हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस में पास्ट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है। इन पास्ट इनडेफिनिट टेंस व्हेन सेंटेंस फिनिश्ड ऑन आ ए ई जानता था, जानते थे, जानती थी, पता था, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, देन वी से दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। जब कोई भी वाक्य आ ए ई जानता था, जानते थे, जानती थी, पता था, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी पर समाप्त होता है तो हम उसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन पास्ट इनडेफिनिट टेंस We use verb second form with helping verb singular he, she, it, name and plural I, we, you, they. Affirmative sentence यानि साधारण वाक्य। Rule subject plus verb second form plus object. For example, उसने हमारा बड़ा स्वागत किया। He gave us a warm welcome. इसमें He, उसने हमारा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाकी ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर ही शी इट नेम और प्लूरल आई वी यू दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, मैं सुबह है तुम्हारे घर गया। आई वेंट टू योर होम इन द मॉर्निंग। इसमें आई यानी मैं सब्जेक्ट है, वेंट यानी गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाकी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। फॉर मेकिंग दिस वी यूज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस वी डिडंट यूज वर्ब सेकंड फॉर्म एंड नाउ वी यूज डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और अब आते हैं नहीं वाले वाक्य पास्ट इनडेफिनिट टेंस के, जिसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, इसकी जगह पर हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे कल नहीं मिला। आई डिडंट मीट हिम yesterday. इसमें आई अर्थात मैं हमारा सब्जेक्ट है, डिड नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, मीट अर्थात मिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने उससे परामर्श नहीं किया। आई डिडंट कंसल्ट हिम। इसमें आई अर्थात मैंने सब्जेक्ट है, कंसल्ट अर्थात परामर्श वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिडंट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है और बाकी ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसको बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरा पेन किसको दिया। व्होम डिड यू गिव माय पेन। इसमें यू सब्जेक्ट है, किसको अर्थात वूम प्रश्न के लिए प्रयोग किया गया है, गिव अर्थात दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी सब ऑब्जेक्ट है। हमारा दूसरा एग्जांपल है, क्या तुम उसे छोड़ने गए थे। डिड यू गो टू सी हिम ऑफ। इसमें डिड अर्थात क्या हमारा प्रश्न के लिए प्रयोग किया गया है, यू अर्थात तुम सब्जेक्ट है, गो अर्थात गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी सब ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य, जिसको बनाने के लिए हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वे स्कूल नहीं गए। डिड दे नॉट गो टू स्कूल। इसमें डिड अर्थात क्या प्रश्न के लिए प्रयोग किया गया है, दे अर्थात वे सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए गए हैं, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, गो अर्थात गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रयोग किए गए हैं और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है।
जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या उसने कल पौधों को पानी नहीं दिया? Did he not water the plant yesterday? इसमें क्या अर्थात did प्रश्न के लिए प्रयोग किया गया है, he अर्थात उसने सब्जेक्ट है, नहीं के लिए not का प्रयोग किया गया है। Water अर्थात पानी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी सब ऑब्जेक्ट है जिनको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है। व्हाट इज पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस? इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।